सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्या लगता है ये भीड़ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ी है? नहीं। या राहुल गांधी के लिए? नहीं। ममता बनर्जी? नहीं। ये भीड़ उमड़ी है राजस्थान के एक नेता के लिए जब वे अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। नेताजी का नाम है रविंद्र सिंह भाटी और उम्र है 26। जी हाँ, महज 26 साल की उम्र में रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और तो और, ये बीजेपी या कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि खुद के दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। भाटी राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक ही सीट का नाम है। इसी सीट से बीजेपी कांग्रेस ने भी दिग्गज उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव जरूर दिलचस्प होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है रविंद्र सिंह भाटी। महज 26 साल की उम्र के रविंद्र भाटी राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाटी किसी पार्टी के चिन्ह पर विधानसभा नहीं पहुंचे, बल्कि अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और दिग्गजों को मात दी। शिक्षक के बेटे भाटी ने सबसे पहले जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उस समय वे एबीवीपी की ओर से लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद भाटी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। वे अपनी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में एंट्री करने के लिए उन्होंने शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वे बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि वे 2023 के चुनाव में उतरना चाहते थे। लेकिन इस बार भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, भाटी ने जीत भी दर्ज की और वे निर्दलीय विधायक चुने गए। शिव विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को 79,495 वोट मिले। वहीं फतेह खान को 75,545 वोट मिले। उधर 84 साल के विधायक अमीन खान को 55,264 वोट मिले। बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा को 22,820 और आरएलपी के जालम सिंह रावलोत को 7,345 वोट मिले थे। हालांकि कुछ महीनों में ही अब रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। अब जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के सामने कितने दिग्गज हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट से 3 प्रत्याशी दिग्गज हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद और केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया है। खुद भाटी भी दिग्गज नेता हो गए हैं। ऐसे में इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबला तय है। अब बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के चुनावी समीकरण पर नजर डालते हैं। इस सीट से पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी नेता कैलाश चौधरी को 59% वोट मिले थे। उन्होंने 22% वोट से ज्यादा के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस चुनाव में भी चौधरी पर ही दांव चला है। कांग्रेस ने सीट से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया था, जिन्हें 37% वोट मिले थे। इस सीट से 7 प्रत्याशियों को नकार कर नोटा तीसरे पायदान पर रहा था। नोटा के लिए 18,996 वोट डाले गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव पर आते हैं, बीजेपी के कर्नल सोना राम ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कर्नल को 40% वोट मिले थे। कर्नल ने 7% वोट मार्जिन से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने हरीश चौधरी को टिकट दिया था, जिन्हें 18% वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत सिंह ने कड़ी टक्कर देते हुए 33% वोट पाए थे। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया, जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन वे इस सीट से हार गए थे। उन्हें 38% वोट मिले थे। कांग्रेस ने हरीश चौधरी को टिकट दिया था, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। इन्हें 53% वोट मिले। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।